थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। ये रिलीज करता है हॉर्मोन्स को। ये स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है, लोकेटेड है ब्रेन के फ्रंट में। इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है रिलीज करना हॉर्मोन्स को, कंट्रोल करना मेटाबॉलिक रेट को। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी के फूड को ट्रांसफॉर्म कर देता है एनर्जी में। थायरॉइड ग्लैंड हॉर्मोन रिलीज करता है थायरोक्सिन, जिसे T4 भी कहते हैं, ट्राइडोथायरोइन जिसे T3 भी कहते हैं, रिवर्स ट्राइडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन हॉर्मोन। थायरोक्सिन, थायरॉइड ग्लैंड थायरोक्सिन को ब्लड में रिलीज कर देता है। थायरोक्सिन वेरियस ऑर्गन्स तक ट्रेवल करता है ब्लड के थ्रू, जैसे किडनी, लीवर में। ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म ट्राइडोथायरोनिन में। इस प्रोसेस को डियोडिनेशन कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करता। ट्राइडोथायरोनिन T3 भी इसे कहते हैं। थायरॉइड ग्लैंड बहुत कम ट्राइडोथायरोनिन प्रोड्यूस करता है एज कंपेरिजन टू थायरोक्सिन, लेकिन ये हाईली अफेक्ट करता है हमारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में। कैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल बॉडी में। थायरॉइड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे फूड से आयोडीन लेकर ट्रांसफॉर्म कर देता है थायरॉइड हार्मोन में। थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सिग्नल सेंड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन करने के लिए लेवल थायरॉइड हार्मोन का बॉडी में। T3 और T4 का लेवल अगर ब्लड में कम है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये हार्मोन सिग्नल भेजता है थायरॉइड ग्लैंड को, रिसीव करता है इस सिग्नल को और प्रोड्यूस करने लगता है मोर थायरॉइड हार्मोन को। T3 और T4 लेवल हाई है ब्लड में, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये हार्मोन सिग्नल सेंड करता है थायरॉइड ग्लैंड को, जिससे लेस प्रोड्यूस होने लगता है थायरॉइड हार्मोन। थायरॉइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन ब्लड के थ्रू ब्लड सेल्स तक जाते हैं। ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म स्लिप एक्टिविटी को। थायरॉइड ग्लैंड रिलीज किए गए हार्मोन हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं, जैसे हार्ट रेट रेगुलेट करना, डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन करना एसेट्रा। बॉडी के फंक्शंस जो है ये मेंटेन करते हैं। थायरॉइड डिसऑर्डर, दो लेवल पर थायरॉइड डिसऑर्डर अक्कर होते हैं बॉडी में। प्राइमरी थायरॉइड डिसऑर्डर जो ओरिजिनेट होते हैं थायरॉइड ग्लैंड में। सेकेंडरी थायरॉइड डिजीज ओरिजिनेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। चार कंडीशन थायरॉइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है। थायरॉइडिज्म, जब थायरॉइड ग्लैंड इनफ हार्मोन रिलीज ना करे, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बॉडी में स्लो हो जाता है। आयोडीन की कमी से ऐसा हो सकता है, जैसे अगर बॉडी में T3 और T4 लेवल कम है, हार्ट रेट जो है वो स्लोअर मूव करने लगती है नॉर्मल कंडीशन से। इस कंडीशन में थायरॉइड ग्लैंड कम एक्टिव होता है। कॉन्स्टिपेशन डिजीजेस में ऐसा हो सकता है। हाइपर थायरॉइडिज्म, थायरॉइड ग्लैंड एक्सेस अमाउंट में रिलीज कर देता है थायरॉइड हार्मोन को। T3 और T4 लेवल अगर ज़्यादा है तो हार्ट रेट जो है फास्टर मूव करने लगती है नॉर्मल कंडीशन से। डायरिया डिजीजेस में ऐसा हो सकता है। ओवर एक्टिव हो जाता है थायरॉइड ग्लैंड। गोइटर, ये डिसऑर्डर थायरॉइड ग्लैंड को एक्सेस अमाउंट में इनलार्ज कर देता है। तीन कारण से गोइटर बॉडी में अक्कर हो सकता है। सिंपल गोइटर अक्कर होता है थायरॉइड ग्लैंड जब इनफ हार्मोन रिलीज ना करे। एंडेमिक गोइटर अक्कर होता है
जब इनफ आयोडीन डाइट में ना हो। स्पोरेडिक गोइटर इसके कोज होने का कोई नोन कारण नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण ये डिसऑर्डर अक्कर हो जाता है। थायरॉइड कैंसर बिगेन होता है थायरॉइड टिश्यू में, ये स्प्रेड हो जाता है ऑर्गन्स बोन्स में। थायरॉइड कैंसर से वेट एक्सेसिवली लॉस या गेन हो सकता है। सिम्टम जो है टायर्डनेस वोमिटिंग एक्सेट्रा अक्कर हो जाते हैं।